दिसंबर का दिन बांग्लादेश और भारत दोनों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि इसी दिन वर्ष 1971 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तो वहीं भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान से अपने इतिहास का सबसे कम अवधि वाला युद्ध जीता था, बल्कि पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान दो भागों, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में बंट गया, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान बंगाल से अलग होकर बना था, इसीलिए वहां मुख्य रूप से बांग्ला भाषा बोली जाती थी। पूर्वी हिस्से को पश्चिम में बैठी केंद्र सरकार अपने तरीके से चला रही थी, उन पर भाषाई और सांस्कृतिक पाबंदियां थोप दी गई थी। इस कारण पूर्वी पाकिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। इन पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने फौज को दमन करने के आदेश दे दिए। पाकिस्तान की क्रूर सेना पूर्वी पाकिस्तानियों पर जुल्म करने लगी। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना द्वारा लगभग 2,00,000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। वहीं करीब 20 से 30 लाख लोग मारे गए, जिसके बाद करीब 80 लाख लोगों ने भागकर भारत में शरण ले ली। शरणार्थियों की बढ़ती जनसंख्या के कारण वो पूर्वी पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत को इस लड़ाई में हस्तक्षेप करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसके ज्यादातर सदस्य पूर्वी पाकिस्तान का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था। इन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर के रूप में सूचनाएं देकर तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से की। वहीं इस बात से बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तब भारतीय सेना ने मात्र 13 दिन में ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कमांडर ए.ए.के. नियाजी ने पाक सेना के 93,000 जवानों के साथ भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश का उदय हुआ। इसी के साथ बांग्लादेश मानचित्र पर नए राष्ट्र के रूप में अंकित हुआ। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के इसी युद्ध में भारत की जीत के जश्न के रूप में हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है।